नमस्कार, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, सवेरे सवेरे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। सवेरा तो नहीं है, 9:30 बज गया है। तो ये देखिए कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम डालते हैं तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, फिर डालेंगे जीरा, जीरा तड़क गया है, इसमें हम डाल देंगे ये उबली हुई आलू है हमारी, ये इस समय हम लोग लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पितृपक्ष है, कल पितृ विसर्जन है, अमावस्या है, कल से समाप्त हो जाएगी। तो ये जो भी हम रसोई में सवेरे बनाते हैं वो सारा का सारा भोग लगता है, इसीलिए हम लोग प्याज और लहसुन दो चीज के इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी आलू फ्राई हो गए। अब देखिए, ये मैंने भिंडी काटी थी, ये देखिए इतने बड़े बड़े पीसों में काटी, एक भिंडी के 4 टुकड़े। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, गैस स्लो करते हैं। नमक थोड़ा कमी ही डालिए, सब्जी कम है, ज्यादा नहीं है। अब डाल देते हैं तनिक, ये 1/2 स्पून आलू हमारी उबली है, भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर देना है। इसको हम ढक देते हैं, और ये देखिए इधर मेरी सब्जी बन गई है, एक सब्जी मैंने बना ली है। ये देखिए, ये आलू और तरोई है, बिल्कुल सिंपल सी एक ही बनी हुई। ये देखिए, ये आलू और तरोई की सब्जी है, ये भी लहसुन प्याज बिना है। ये हो गई है, और ये देखिए, ये इधर मैंने ये बना लिया है रबड़ी। ये देखिए कितनी बढ़िया रबड़ी बन गई है। इसका वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी है, किचन में सवेरे बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि भोग का खाना भी बनाना होता है और खाने के लिए भी खाना बनाना होता है। तो खाना ऐसा होता है कि अगर आप सवेरे, मतलब रसोई हम झूठी नहीं करते, सबसे पहले हम भोग की थाली निकालते हैं, तो 3-4 तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो 3-4 तरह की चीज़ें बनाते बनाते हो जाती है देर, इधर खाने वालों को देर होने लगती है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी होती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। और तो उसके लिए सारी है, सब्जी बन चुकी है, आलू है, तरोई है, थोड़ा ग्रेवी ज्यादा है तो हम जला देते हैं, ये इसका रसा थोड़ा सा खत्म हो जाता है, और ये हो जाएगी मेरी सूखी सब्जी। ये देखिए, सवेरे सवेरे की ये मेरी प्रिपरेशन है। मैं सवेरे जल्दी उठ के पहले नहाना है, फिर पूजा करना होता है भगवान की, और फिर इसके बाद पानी देना होता है सास ससुर को, वो जो काला तिल और जौ मिला के। इसके बाद मैं फिर चाय और नाश्ता, उन चाय और बिस्कुट का भोग लगाती हूँ, फिर ये खाना का भोग लगाती हूँ। तो आज थोड़ा फिर से देर हो रही है। ये देखिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है बक्सर में, आरा और बक्सर के बीच में, रघुनाथगंज स्टेशन के पास। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबके घर के बच्चे, पति सबके, माँ बाप सब ठीक ठाक रहें। सुनते हैं बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी है, भगवान से दुआ कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा बनाया हुआ मसाला है, इसको हम हर सब्जी में डाल देते हैं, इसमें सब कुछ है,
अगर प्याज और लहसुन छोड़ के बाकी सारे मसाले हैं, धनिया हल्दी मिर्चा खड़े गरम मसाले सौंफ सब है, तो ये इस सब्जी में थोड़ा सा डाल देते हैं ग्रेवी वाली में, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं तो ये डाल देते हैं। इसको फिर हम बंद कर देते हैं, उलट पलट के पका लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी है, ये मैं इस वाली सब्जी में डाल देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। रेडी हो गई सब्जी, अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी करीब करीब पकी चुकी है, इसमें भी मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल देते हैं, ताज़ा करी पत्ता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, आप भी डालें। देखिए पक गई है मेरी सब्जी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर या चाट मसाला कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए ये मेरा चाट मसाला है, तो मैंने इसको डाल दिया है। अब सब्जी को कर देते हैं बंद। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें केसर के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, ये और हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं भोग लगाने के लिए, तो पूरा खाना रेडी है, अब मुझे भोग लगाना है। देखिए आपको मेरा ये कैसी लगी सब्जियां, ये भिंडी की सब्जी है, आलू तरोई की सब्जी है और ये रबड़ी है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।